हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग कुछ मॉडल वर्ब्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक्सरसाइज इस तरह से है, स्टूडेंट कहता है, मैडम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। टीचर, वेयर वर यू, आप कहाँ थे। यू डैश बी इन द क्लास एट द राइट टाइम। फोर ऑप्शंस है आपके पास, सेल, सूड, विल, वुड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यदि हिंदी में कहें तो आपको क्लास में सही वक्त पर होना चाहिए। तो चाहिए यानी शुड, यू शुड, यू शुड बी इन द क्लास एट द राइट टाइम। स्टूडेंट, सॉरी मैडम, आई डैश नॉट गेट द स्टेट बस, मुझे यहाँ आने के लिए सीधे रूप से बस नहीं मिला, स्टेट बस नहीं मिला या मिल सका। तो कुड नॉट, I could not get the straight bus. Okay, but you dash not repeat it in future. तुम्हें अवश्य इसे रिपीट नहीं करना चाहिए, और जरूर चाहिए यानी must. You must not repeat it in future. I dash not repeat, so kindly forgive me this time. इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। I shall not repeat so. यहाँ will भी लगा सकते हैं, I will not repeat so. यानी मैं जरूर नहीं करूंगा ऐसा, विल ही लगाते हैं हम लोग। आई विल नॉट रिपीट सो, ऐसे दोनों ही सही होगा, आई सेल और विल दोनों। विल से थोड़ा सा आप निश्चित तौर पर बोल रहे हैं कि नहीं, और ऐसी गलती नहीं होगी। आई विल नॉट रिपीट सो। यू डैश हैव स्टार्टेड अर्लियर, तुम्हें पहले से ही आना चाहिए था, पहले से ही घर से निकलना चाहिए था, यानी शुड हैव स्टार्टेड। यू You should have started earlier. Student, madam, in future I will, यानी जरूर ऐसा ही करूँगा, in future I will. So students, इसी तरह की खास एक्सरसाइजेज के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए, क्वेश्चन आंसर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, सोशल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और सभी वीडियोज़ आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।